पर आपके कमरे में शुद्धिकरण मंत्र भी पढ़ दिया। अगर अब भी आपको डर लग रहा है तो हम दो भाई आप दो बहनों की रक्षा के लिए यहीं अंदर सो जाते हैं। और आपसे हमारी रक्षा कौन करेगा? तो दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे आज यानी कि 10 सितंबर को डिज्नी पर हॉटस्टार पर रिलीज हुई फिल्म भूत पुलिस के बारे में और बताएंगे आपको कि भूत पुलिस फिल्म का टोटल बजट कितना है। साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करके कितने रुपए का कलेक्शन कर लिया। साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज करके कितने रुपए के प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि भूत पुलिस जो कि एक कॉमेडी हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं सैफ अली खान, यामी गौतम, जैकलिन फर्नांडेज और अर्जुन कपूर। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म को पहले 17 सितंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज किया जाना था लेकिन दोस्तों इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने एक हफ्ते के लिए प्रीपोन्ड कर दिया है। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि जहां भी यह फिल्म रिलीज हो चुकी है तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस फिल्म का टोटल बजट है लगभग 40 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, भूत पुलिस फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपए में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी थी। वहीं दोस्तों इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म का डिजिटल राइट्स यानी कि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग राइट्स लगभग 45 करोड़ रुपए में बेच दिए थे। वहीं दोस्तों इस फिल्म के सैटेलाइट यानी कि टीवी पर दिखाने के राइट्स वो लगभग 20 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हुए हैं जिन्हें खरीदा है स्टार गोल्ड ने। और दोस्तों इस फिल्म के म्यूजिक राइट लगभग 3 करोड़ रुपए में सोल्ड आउट हुए हैं। तो दोस्तों जहां इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए का है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के म्यूजिक, डिजिटल और सैटेलाइट बेचकर लगभग 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया। तो दोस्तों यहां पर भूत पुलिस फिल्म के प्रोड्यूसर इस फिल्म को ऑनलाइन रिलीज कर लगभग 28 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा चुके हैं। अब दोस्तों आप बताओ कि अगर यह फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो यह फिल्म 68 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेती या नहीं, हमें भी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने भूत पुलिस फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें राय कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।